किसने सोचा था कि क्रिकेट के मैदान में धुरंधरों के छक्के छुड़ाने वाला राजनीति का कप्तान बन जाएगा, जिसको महान क्रिकेटर, वर्ल्ड कप चैंपियन, यहां तक कि प्ले बॉय तक कहा गया, वो वजीर आजम बन जाएगा। जी हां, देश की कमान इमरान खान के पास है, लेकिन कैसे वो क्रिकेटर से राजनेता बने, कैसा रहा उनका सियासी सफर, किन किन विवादों से रहा उनका नाता, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने क्रिकेट जगत में स्विंग शहनशाह के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उसके बाद 1992 में पाकिस्तान की झोली में पहला वर्ल्ड कप डालकर मुल्क का नाम भी रोशन किया। इस जीत के बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। क्रिकेट की पारी को खत्म करने के बाद इमरान ने राजनीति में उतरकर नई पारी की शुरुआत की। इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रखा। 1997 में उनकी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी उनसे कोसों दूर थी। फिर 2002 के चुनाव में भी उनके ख्वाब बिखर गए। इसके बाद 2008 में परवेज मुशर्रफ की देखरेख में कराए गए चुनाव में इनकी पार्टी ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 2011 में सत्तारूढ़ पार्टी की मुखालफत कर इमरान खान ने अपनी पार्टी की पहचान बनाई। हुकूमत की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के बाद से इमरान को पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी ताकत माना जाने लगा। 2013 में इमरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी वोट प्रतिशत के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2014 में इमरान खान को नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज का मुख्य प्रतिद्वंदी समझा जाने लगा। साल 2017 में उन्होंने पनामा गेट मामले में फंसे नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ी और उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। नवाज की छुट्टी के बाद अब इमरान खान मुल्क के बादशाह बन गए हैं। हालांकि इमरान का नाता क्रिकेट और सियासत के अलावा विवादों से भी रहा है। साल 1987 में पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी कासिम उमर ने आरोप लगाया कि इमरान और उनकी टीम के कई दूसरे खिलाड़ी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तमाम वरिष्ठ क्रिकेटर उन्हें अक्खड़ और बदमिजाज मानते हैं। वहीं अपने आशिक मिजाज के लिए भी वो सुर्खियों में रहे। इमरान ने पहली शादी 16 मई 1995 में जेमाइमा गोल्डस्मिथ से की। हालांकि 9 साल बाद आपसी रजामंदी से दोनों अलग हो गए। इसके बाद दूसरी शादी 2015 में ब्रिटिश पाकिस्तानी पत्रकार रेहम खान से रचाई, लेकिन 10 महीने बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। अब 2018 में इमरान ने अपनी तीसरी शादी बुशरा मानिका से की है, जिनसे भी विवाद चल रहा है। तो क्रिकेट का कप्तान बनकर जिस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, उम्मीद है कि सियासी कप्तानी में भी वो अपने देश को आगे ले जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।